होंगे और आज के सेशन को अटेंड करते होंगे। डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विमल, विमल कुमार गौड़ा, आज क्या ये लाइफ चेंजिंग इवेंट में मैं आपको स्वागत करता हूँ दिल से। दोस्तों, आज का सेशन आपके जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेके आने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आप ढूंढ रहे हैं तो आज आप सही जगह पे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको सही जगह पे भेजा है और जिस इंसान ने आपको ये लिंक भेजा है उसको दिल से थैंक्स करिएगा। आज आपको वो सारी चीजें यहाँ मिलने वाला है जो आपको जरूरत है आपकी जिंदगी में। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आज का सेशन आपके जिंदगी में 180 डिग्री बदल सकता है। दोस्तों, यस फ्रेंड्स, कुछ साल पहले मैंने भी इसे अपॉर्चुनिटी को देखा था, लेकिन उस टाइम फिजिकली देखा था, लेकिन आज हम लोग सब लकी है। कोविड के थ्रू आज हम अपने घर पे हैं और घर पे आपको ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको घर बिठा के दिया जाएगा। दोस्तों, और आज आपको जो पर्सनालिटी ये लाइफ चेंजिंग इवेंट आपको बताने वाले हैं, जो प्रेजेंट करने वाले हैं, वो बहुत खास है। दोस्तों, यस, वो बहुत कम टाइम में और एक यंग जनरेशन में उन्होंने ये हासिल करके दिखाया और आज के समय में अपने जिंदगी में वो फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। दोस्तों, क्यों मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि फाइनेंशियल फ्री मतलब इतना यंग टाइम में एक इंसान जिस टाइम लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है उसी समय वो इंसान अपने लाइफ में रिटायरमेंट हो चुके हैं, मतलब मेहनत से। और आपको आज बहुत मौका मजा आने वाला है कि ये सेशन जब आप उनसे सुनेंगे। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 घंटा ये सेशन को अटेंड करिएगा और मैं कहता हूँ कि आप ओपन माइंड में अटेंड करिएगा। ओपन माइंड क्यों कहता हूँ, क्योंकि भरा हुआ ग्लास में कभी पानी आप भर नहीं सकते हैं और ग्लास को खाली सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी स्ट्रेस अपने जिंदगी में अभी है उसको आप भूल जाइए, रिलैक्स होकर आप बैठिए। अगर लेटे हो तो बैठ जाइए और आप बैठे हैं तो कन्फिडेंट तरीके से बैठिए और ये सेशन को 1 घंटे का जो सेशन है आप अपने माइंड को केंद्रित करके बैठिए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो मैं उसी इंसान को आपके सामने मिलाने से पहले मैं उनका अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा। अचीवमेंट क्यों बताऊं दोस्तों, क्योंकि जो जिंदगी में सक्सेसफुल है ना वो आपको सक्सेस करा सकता है। अगर आप अपने को आगे बढ़ना है तो कोई इंसान आगे बढ़ा हुआ है वो इंसान आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकता है। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, और आज वही प्रकृति का नियम जो हम चारों तरफ बदलाव लेके आ रहा है ना, वही बदलाव आपके जिंदगी में आने वाला है। और वो इंसान कुछ साल पहले इस सिस्टम को अडोप्ट किया और अडोप्ट करने के बाद उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट ली। अचीवमेंट की बात करूं, आज इस सिस्टम के थ्रू लाखों से ज्यादा का इनकम ले चुके हैं दोस्तों, और इस सिस्टम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दो दो गाड़ियों भी अचीवमेंट कर चुके हैं और हर साल दो दो बार विदेश ट्रिप भी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सुन के अचंभित तो होता होगा कि फ्री में कैसे होता है। यस दोस्तों, ये सब फ्री में होता है, लेकिन मेहनत तो जरूरी है। और ये सारी चीज जो बताने वाले हैं आपको, और इस सिस्टम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में उनको 50 लाख लोगों से ज्यादा जानते हैं और आज वो हिंदुस्तान में एक लीडर बन चुके हैं दोस्तों। और वो कोई और नहीं है, एक स्पेशल पर्सन है और एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी है और हम सबके ऑफलाइन मेरा मेंटर, मेरे गुरु, और हमको हर तरफ से वो गाइडलाइंस कर रहे हैं कि आप अपने जिंदगी में कैसे एक सकारात्मक बदलाव के साथ आपकी जिंदगी को बदलाव करें। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं मेरे ऑफलाइन मेरे गुरु मेरे मेंटर को इनवाइट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि जबरदस्त तालियों के साथ हम इनवाइट करने जा रहे हैं नन अदर देन मिस्टर विनोद बारिक सर। वेलकम टू यू सर। थैंक यू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज क्लियर है विमल सर? यस सर, यस सर। तो आपने इतना बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टार्ट किया, इतना एक्साइटमेंट भरा स्टार्ट किया तो मैं एक्साइटेड हो गया, इसलिए मैं सोचा कि आवाज ठीक है या नहीं। तो थैंक यू। तो सारे दोस्तों को, सारे गेस्ट को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज शुक्रवार है और आज हमारा पहली बार टाइम चेंज हो रहा है, इसीलिए शायद गेस्ट थोड़ा शायद मैसेज कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए संख्या थोड़ा दिख रहा है, राइट? तो आज से हम 8 बजे, पहले से 9 बजे करते थे, आज से 8 बजे होगा। हर जो हमारा वीकली प्रोग्राम होगा वो शिफ्ट हो गया 8 बजे, 8 से 9 बजे तक। तो दोस्तों, आप सबको स्वागत। माई सेल्फ विनो, ऑलरेडी मैं परिचय कुछ नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये परिचय विमल सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये परिचय हमारे लिए कर दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले संतोष जी, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, क्लियर। सर एक मैसेज है व्हाट्सएप में, आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डियर लीडर्स। तो आपको बेहतरीन तरीके से स्वागत है। एक छोटा सा चीज, आज जितने गेस्ट हैं उनको बहुत तहे दिल से स्वागत मैं करता हूँ, और आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा खास चीज है इस लॉकडाउन पीरियड में, राइट? आप भी परेशान हैं और मैं भी परेशान था 1.5 साल पहले, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ लगभग मैं 12 घंटा 13 घंटा घूमता था। स्टार्टिंग फेज में जो काम करता था, जैसे विमल भाई ने बोला
कि मैं जानता था कि मुझे 35 साल काम नहीं करना है, 30 से 35 साल काम नहीं करना है, 5 साल काम करना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घूमता था, राइट, ऑल ओवर इंडिया 13 से 14 राज्यों में घूम घूम कर, राइट, छोटा बड़ा बड़ा सेमिनार, 1000 लोगों का सेमिनार इसको भी किया है, किसी के घर में जाकर ड्रॉइंग रूम में भी छोटा सा मीटिंग भी किया है, तो इससे मैं भी चल रहा था, और शायद आप भी, हो सकता है कि आपका जो इनकम सोर्स था आप भी फिजिकली 100% फिजिकली निर्भर थे। तो जब लास्ट ईयर कोविड आया तो इस कोविड के कारण आप भी टेंशन में थे और मैं भी टेंशन था, राइट, मैं भी आपकी तरह बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि हर दिन मैं बाहर घर से निकलता था, हर दिन लोगों के साथ संपर्क में था, और हर दिन लोगों के साथ मिलना ही मेरा काम था, राइट, बड़ा बड़ा मीटिंग करना, लोगों को गेट टूगेदर करना, यही मेरा काम था। मगर मैंने सोचा कि अगर गेट टूगेदर बंद, मीटिंग बंद, तो बिजनेस कैसे होगा, मैं लोगों के पास, कितने लोगों के पास फोन करूंगा, कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा। मगर दोस्तों, एक बेहतरीन चीज इस मीटिंग को शुरुआत करने से बोलना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल से मेरा जो नेटवर्किंग एक्सपीरियंस था वो टोटली जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ये बोल सकते हैं, मैं अभी आपको बोलूंगा कि विमल सर ने भी बोला कि लाखों का इनकम है, मगर मेरा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस या मेरा नेटवर्किंग का नॉलेज जीरो हो गया। क्यों? मैं जिस एक्शन मोड पे था, जिस प्रोसीजर में था, उस प्रोसीजर में मैं काम नहीं कर पाया, मुझे संपूर्ण रूप से चेंज करना पड़ा अपने शिफ्ट को। मगर मैंने सीखा, आज अगर कोई नया आदमी जुड़ा है तो उसके लिए ये मेरा मैसेज है, मैं सक्सेसफुल था, मेरे बिजनेस में मैं सक्सेसफुल था, मगर मेरा बिजनेस जीरो हो गया जब लास्ट कोविड हुआ। मगर मैंने सीखा हाउ टू कनेक्ट, मैंने यूट्यूब में वीडियो सर्च किया कि जूम को कैसे इंस्टॉल किया जाए, जूम को कैसे कनेक्ट किया जाए, जूम में कैसे मीटिंग किया जाए, सही बोल रहा हूँ दोस्तों, राइट, तब मैंने सीखा, मैंने अपने आप जूम ऐप लोड किया, मैंने कुछ लोगों के साथ बात किया जूम ऐप लोड करने का, और धीरे 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 धीरे, और हमारे जो गाइड मेंटर, और सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा मोदीकेयर बिजनेस प्लेटफॉर्म को, जिनका ट्रेनिंग सिस्टम उन्होंने भी कंपनी टोटल, हमारे जो सारे मेंटर्स और सारा ट्रेनिंग सिस्टम तुरंत ही 1-2 महीने में तुरंत शिफ्ट हो गया डिजिटल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, जूम में, राइट, अलग अलग सोशल मीडियाज में, ये टोटल शिफ्ट हो गया कंपनी की तरफ से। आज लगभग हर दिन कई सारे मीटिंग्स होते हैं, कई सारे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होते हैं, राइट। तो ये मैंने, अगर मैं बोलूं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सिर्फ 1.5 साल पहले ज्वाइन किया, मैं 5 साल पुराना नहीं मानता अभी मुझे अपने आप को, क्योंकि मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 1.5 साल पहले शुरू किया, मार्च 2020 को, राइट, मार्च 21 तारीख को हमारे यहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ था, 21 मार्च 2020 से मैंने मोदी केयर में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। और आप जानना चाहेंगे इस डिजिटल मार्केटिंग का, जब मैंने शुरू किया था, जो मेरा पहला जो काम था, क्योंकि मार्च महीने में लॉकडाउन था, तो अप्रैल महीने में पूरा लॉकडाउन था, तो अप्रैल महीने में मेरा इनकम नीचे गिर कर आ गया 2,10,000। आप सारे लोग हंस रहे होंगे कि क्या बोल रहे कि इनकम गिर कर 2,10,000, तो भी बहुत बढ़िया है। नहीं दोस्तों, 2,10,000 ठीक है, मगर जिसका 1,00,000 लॉस होता है ना, 3,00,000-3,50,000 आ रहा होगा, उसका अगर 1,00,000 घट जाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात। तो मेरा अप्रैल या मई महीने में, मैं आपको पे आउट इसका शो कर सकता हूँ, तो 2,20,000 के आसपास मेरा पे आउट हुआ। तो मतलब मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया 2,20,000 में, और आज 1.5 साल के बाद 4,50,000 पर हर महीने। तो मैंने ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर से मैंने ये अर्न किया है, राइट। तो मैं भी आज लोगों को बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आपके मन में अगर संदेह होगा कि आज से हम शुरू करेंगे कैसे करेंगे, दोस्तों मैंने भी सीखा डिजिटल एंटरप्रेन्योर करना कैसे, मैं भी आज भी सीख रहा हूँ, हर दिन कई सारा वीडियो, कई सारा ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, सोशल मीडिया से कैसे ज्वाइनिंग करें, फॉलोअप करें, उसके बारे में मैं बहुत सारे कोर्सेस में भी अभी ज्वाइन हूँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, इस डिजिटल मार्केटिंग के तहत इस दिसंबर तक 10,00,000 तो गारंटी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको स्वागत है, ये छोटा सा परिचय मैं अपना रखना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग से जो भी मेरा परिचय दे, वो बोले कि 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल से ये नया प्लेटफॉर्म है, तो ये बिजनेस का पावर है दोस्तों। तो आप अपने इनकम के लाखों में ले सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म आज, जैसे हम कनेक्ट हैं। तो वंडरफुल स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच। और आज चलिए, आज हम उस प्रेजेंटेशन में चलते हैं जिस प्रेजेंटेशन में लाखों लोगों के जीवन में बहुत कुछ चेंजेस किया है। और आज अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस हैं, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, या आपके लाइफ में कोई भी गैप है, जैसे हो सकता है कि फॉरेन ट्रिप का गैप हो, वैसे हो सकता है कि पैसा तो बहुत है कि मगर कभी फ्री में फॉरेन नहीं गए, सही बोला, फ्री में पैसा तो बहुत है मगर आज तक भी स्कूटी में घूम रहे, राइट, फ्री का कार नहीं मिला, मैं इस 5 साल में लगभग 2-2 कार खरीद चुका, राइट। और जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में जो कार खरीदूंगा उसका कॉस्ट 68,00,000 से ऊपर होगा, रेंज रोवर ब्लैक कलर,
राइट, तो ये होगा डिजिटल मार्केटिंग का मेरा फायदा, राइट। तो ये तो आपके जो गैप है, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, एसेट्स, ये सारा चीज आप इस डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं, राइट। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आज के इस परिवर्तन मीटिंग में। सोच बदलो, परिवर्तन तो हम सब लोग चाहते हैं मगर खुद से होगा दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आपका चेंज का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब हम बीमार होते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, राइट। अगर मैं बोलूंगा नहीं मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, राइट, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा दारू पीऊंगा तो कुछ होगा दोस्तों? नो। तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपका सक्सेस के लिए। इसीलिए पहला काम है सोच बदलो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करिए इस बिजनेस में, देन अपने आप को चेंज करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपके आसपास दुनिया, एनवायरनमेंट ये चेंज हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। तो आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और मैं चाहूंगा हम में से हर कोई यहाँ पर जो बैठा है वो चैट बॉक्स में लिखे क्या इनमें से कोई भी सपना उनका था, ये सर नो, मान सम्मान का सपना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना, वर्क लाइफ बैलेंस का सपना, बड़ी गाड़ियों का सपना, बड़ा घर का सपना, विदेश यात्राओं का सपना, चैरिटी का सपना, बेटर एजुकेशन का सपना, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली का सपना। अभी मेरा बात सुनकर शायद कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर ये सारा तो है मगर कुछ कर भी नहीं पा रहे, राइट और रॉन्ग। ये सारा तो है, इसमें से एक दो नहीं है, इसमें तो सारा का सारा से मुझे चाहिए मगर कुछ नहीं कर पा रहे सर, राइट। तो बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख ले, यस यस यस, थैंक यू, मैं ये तो पता है हम सब लोग, मगर क्या, एक सवाल है, क्या आप इसके लिए काम कर पा रहे हैं? क्या आज आपका प्रेजेंट प्रोफेशन ये आपको सोचने की हिम्मत देता है कि इसके बारे में भी आप सोच सके, या सिर्फ आप खाना पीना और रहने के लिए बारे में सोच रहे हैं, राइट। जैसे हमारे इंडिया में एक प्रोवर्ब फेमस है, रोटी कपड़ा मकान, क्या आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए भाग रहे हैं, या इस सपनों में कुछ जान दे सके इसके लिए कोई काम आप कर पा रहे हैं? अगर नहीं है तो आज का ये मीटिंग आपको हेल्प करेगा किस तरीके से हम इस सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रीम, सपना तो हर किसी का होता है मगर रियलिटी क्या है? सपना था लग्जरी कार का, रियलिटी है बाइक में। सपना था लग्जरी घर का, रियलिटी है टूटी फूटी घर में है या पुराने घर में। सपना था बच्चों का अच्छा एजुकेशन में मगर रियलिटी क्या है? बच्चे हमारे छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं। सपना था विदेश यात्राओं का, टीवी में फिल्म में देखकर विदेश यात्राओं का सपना था मगर रियलिटी क्या है? हम अपने घर के आसपास कोई पार्क में बैठकर फोटो खींचकर सेल्फी छोड़कर और फेसबुक में अपडेट कर देते हैं, राइट। एंजॉयिंग, ऐसा लिखते हैं शायद जैसे स्विट्जरलैंड में आपको, राइट, और कोशिश करते हैं, और फोटो अगर अच्छा नहीं आया तो उसको थोड़ा, आजकल बहुत सारा ऐप मिलता है उसको थोड़ा कैसे एडिट करके अच्छा कर दें, राइट। ये होता है रियलिटी, मगर मैं इसके पीछे का जो कारण है, इसका पीछे जो रहस्य है उसको समझना कोशिश करूंगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आइए इसको समझते हैं, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें समझना पड़ेगा। 1960 में अगर कोई फैमिली को अच्छी तरीके से गुजारा काटना पड़ता था, उसका महीने का इनकम अगर 100 रुपए होता था उसका गुजारा हो जाता था, मगर सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 1980 में उसको जरूरत पड़ा 1000 रुपए, और सेम लाइफस्टाइल को 2000 में उसको जरूरत पड़ा 10000 रुपए महीने का, और आज 2021 या 2020 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2020 में यहाँ कितना लिखा है, 1 लाख। अगर आपका इनकम 1 लाख से नीचे है तो आपका गुजारा सही तरीके से नहीं हो रहा होगा, अगर इंडिया के किसी भी बड़े शहर में है, राइट। हाँ, अगर आप थोड़ा इंटीरियर में है, थोड़ा लो छोटे सिटी में है तो हो सकता है, राइट। जैसे मैं अभी उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, तो भुवनेश्वर में अगर आप महीने का 1 लाख रुपया इनकम नहीं है तो आपका गुजारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, आप हैंड टू माउथ होंगे सिर्फ, हैंड टू माउथ, राइट। तो इसका मतलब है, अगर ये ग्राफ सही है तो ये ग्राफ हमें क्या बोल रहा है, ये ग्राफ हमें बोल रहा है कि 2040 तक हमें 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। अगर 2040 तक आपका 10 लाख की इनकम नहीं है तो आप सपनों के बारे में भूल जाइए, ओनली लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज भरा लाइफ होगा, राइट। तो यहां पर हमें चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में भी लोग कर रहे हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स नौकरी करते हैं, उसके साथ शाम को आकर प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, बहुत सारे दुकानदार आपने देखे होंगे, दुकान के साथ साथ जेरोक्स मशीन डालना, कोई लैमिनेशन वाला कुछ काम करना, ऐसा कुछ काम करते हैं। बहुत सारे लेडीज आज घर में बैठे बैठे टेलरिंग करना या ब्यूटी पार्लर मेंटेन करना ये करती हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ साल और काम करते हैं क्योंकि और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बहुत सारे टीचर अपना अपना प्रोफेशन के साथ फिर प्राइवेट ट्यूशन भी करते हैं। तो क्या ये सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये गलत है? मगर जब हम कोई सिस्टम के बारे में बोलते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बोलते हैं, तो साधारण लोग हैं, जो सिंपल लिविंग लोग हैं, उनको लगता है कि एक्स्ट्रा इनकम क्या होगा। एक्स्ट्रा इनकम, आज अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के बारे में नहीं चिंता करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा,
आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे लोगों के सामने अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया, कोई विपत्ति आया, तो आपको हाथ फैलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आज के दिन में अगर एक्स्ट्रा इनकम के बारे में आप नहीं सोच रहे, तो आइए आज का डिसीजन हम लें, ये काम और क्यों करें। जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से 25 से 30 साल की उम्र में हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मली 50 to 60 ईयर्स तक हम लोग काम करते हैं, राइट। तो इसका मतलब है 35 to 40 ईयर्स तक हम एक्टिवली हमारे प्रोफेशन में हैं और काम करते रहते हैं, राइट। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा 10 घंटा हम लोग मेहनत करते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। आप अगर एक्टिव हैं तो इनकम नहीं, जिस तरह से मैं बोल रहा था कि लॉकडाउन से पहले मैं भी एक्टिव इनकम कर रहा था, मीटिंग करता था, सेमिनार्स करता था, बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स करता था, लगभग 2-3 बार यहाँ से वहाँ, ओडिशा से भुवनेश्वर, ओडिशा से दिल्ली, दिल्ली से सूरत, सूरत से वेस्ट बंगाल, से घूमता रहता था, फ्लाइट में यहाँ वहाँ 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 जाता रहता था, बहुत बिजी शेड्यूल मेरा था, राइट। घर में लगभग 5-6 दिन अगर रहता था बहुत बड़ी बात होती, तो एक्टिव इनकम, राइट। नो वर्क नो इनकम, तो मार्च महीने में मुझे भी लगा, सिर्फ आपको नहीं लगा, मार्च महीने में मुझे भी लगा, अगर भाई हम काम नहीं पा रहे तो इनकम कैसे होगा, राइट। मगर हम जिस प्रोफेशन में है, जिस मोड पे अभी काम करता है, पैसिव इनकम, और ये शुरुआत से मिल जाएगा, ये आपको 5 साल भी, ये तो पुराने सिस्टम में लिखा है कि 5 साल आपको काम करना है, मतलब अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आपको शुरुआत एक ही साल में आपको पैसिव इनकम मिल जाएगा। क्यों? आपके लोग डिजिटल में कनेक्ट होंगे और जो सिस्टम कंपनी का बना है उसमें अटैच हो जाएंगे, तो जब सिस्टम कंपनी के साथ अटैच हो जाएंगे तो आपको फिजिकली या डिजिटली एक्टिव नहीं होने से भी कुछ ही इनकम आएगा। अगर आपके जरूरत ज्यादा है, हमारे तरह सपने बड़े हैं, तो आपको 2 से 5 साल करना पड़ेगा, नहीं तो 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार ये तो आता रहेगा अगर आप 6 महीना एक साल थोड़ा सा टाइम दे दें, राइट, वो भी पैसिवली, राइट। तो पैसिव इनकम जहां पर आपका एफर्ट जीरो हो जाएगा और इनकम बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 2 to 5 years सीरियसली डेडिकेटली जो समय आपने फिक्स किया है 2 to 3 hours उसको डेडिकेटली आपने इस 2 से 5 साल अपने प्रमोट करना है। मगर यहाँ पर क्या होगा, आप अगर कहीं पर भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं पर रह पाए, आपके ऊपर एक्टिव नहीं पाए, तो आपको इनकम आता रहे। तो इतना जो बड़ा चीज मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे साइंस क्या है, आइए समझते हैं। आज हम जिस मार्केट में हैं और आज हम जिस मार्केट के ऊपर निर्भर हैं, वो मार्केट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केट। उसमें क्या है, कोई कस्टमर, कोई भी कस्टमर, आप मैं हम सब कस्टमर हैं, राइट। तो कस्टमर जब भी सामान की जरूरत होता है वो कहाँ जाता है, रिटेलर के पास, रिटेलर कहाँ जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाता है, कंपनी के पास। इसमें ना आपका कोई रोल है, इसमें ना मेरा कोई रोल है, राइट। तो कंपनी मान लीजिए यहाँ पर 30 से 35 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो आपके और हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि इन बीच वाले लोगों का फायदा होता है, और इनमें एक बहुत बड़ा खर्चा होता है जिस खर्चे का नाम है एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन का खर्चा। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ये ऐड करते हैं, क्योंकि उनको भारतवर्ष में ऑल ओवर इंडिया में लोग मानते हैं और उनको एडमायर करते हैं, राइट, वो इन्फ्लुएंसर है। तो मगर इन सारे लोगों का खर्चा देता कौन है, कंपनी नहीं देता दोस्तों, कंपनी अपने हाथ से नहीं देता। कंपनी अपना मुनाफा रखने के बाद जितना भी खर्चा जाता है, वो बीच वाले लोगों का खर्चा हो या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, जो भी खर्चा, वो डायरेक्टली कस्टमर से एमआरपी के रूप में ले जाता है। तो आप जन्म से लेकर आज तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मरने तक जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, उसमें 60 to 70% इस मिडिलमैन को हमें देना ही देना है, उसमें कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है, ये गारंटेड है, आपको देना ही देना है। मगर आज आप अगर एक वाइज डिसीजन ले लें, एक वाइज डिसीजन लें, तो आपको ये सिस्टम को चेंज करके कंपनी से डायरेक्ट खरीदना है, और ये बीच वाले 60 to 70% पैसा बचाना है और खुद अर्न करना है, राइट। तो ये है हमारा सिस्टम, तो मिडिल मैन को बीच से हटाना है और बीच वाले लोगों का पैसा यहाँ पर इनकम करना है, राइट। इस बिजनेस का बेनिफिट्स क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा, जो 5 साल पहले मैंने जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाया, वो था सबसे बड़ा पॉइंट, वो था जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे बोला जाता कि आप 1-2 लाख की बात तो छोड़िए, अगर मुझे बोला जाता कि 30-40 हजार, 50 हजार आप लगाकर इस बिजनेस को शुरू करिए, तो दोस्तों मेरा तो आंसर होता नो। मगर मुझे मेरे अपलाइन ने बोला कि तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है जीरो, रजिस्ट्रेशन तेरा जीरो है, राइट, कुछ प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीद और बिजनेस शुरू कर दे, नो रिस्क, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं, अनलिमिटेड इनकम हो सकता है, फैमिली बिजनेस है, परिवार को लेकर ये बिजनेस को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस है, तो परिवार के साथ ही ये बिजनेस बढ़ेगा। ट्रांसफरेबल बिजनेस, आप इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने नॉमिनी टू नॉमिनी, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। यहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, जैसे मैंने बोला हर दिन कई सेमिनार्स, कई ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड, आपको स्किल्स, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्किल्स रिलेटेड प्रोग्राम्स होती हैं,
तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, राइट। अगर एक्सपीरियंस है तो बेहतर है क्योंकि जल्दी आपको सक्सेस है, अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा और यहाँ पर वो फ्रीली आपको अवेलेबल है, आप सिर्फ कनेक्ट हो जाइए। 7 नंबर सबसे जो बड़ा बेनिफिट मुझे लगा वो था पैसिव इनकम, राइट। मुझे कुछ ही दिन काम करना है और रेगुलर इनकम करना है, ये चीज मुझे बहुत लगा क्योंकि एक्चुअली बाय नेचर मैं थोड़ा आलसी, मुझे भी बहुत काम करना अच्छा नहीं लगता, राइट, जो कि अभी मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ पैसिव इनकम। पार्ट टाइम बिजनेस, इस बिजनेस को अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना पूरा प्रोफेशन चेंज करना नहीं, आपको सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटा जो आप फेसबुक यूट्यूब में वेस्ट करते हैं, राइट, दिन भर हम फेसबुक स्क्रोल करते रहते हैं क्या उससे कभी इनकम आया? मगर आज हम आपको सिखा देंगे कि फेसबुक से, यूट्यूब से और जूम से कैसे आपको इनकम कर सकते हैं, राइट, जो अभी आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो पार्ट टाइम बिजनेस है ये, पार्ट टाइम बिजनेस। तो आइए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। मोदी केयर इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि 1996 में शुरू हुआ बाय मिस्टर एक विजनरी लीडर मिस्टर समीर मोदी के माध्यम से। समीर मोदी आते हैं मोदी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि 1933 से उनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश किया है। चीनी के मिल से शुरू हुआ था ये बिजनेस, 1968 में पद्मभूषण अवार्ड को इनको मिला और उनके बाद उनके बेटे के मोदी जी ने इस ग्रुप को संभाला और इन्होंने इंडिया से लेकर 90 अलग अलग कंट्रीज में इस बिजनेस को डेवलप कर दिए। आप गूगल में जाना और मोदी एंटरप्राइजेस सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का लगभग 21 से 22 कंपनीज अभी एक्टिव हैं और ऑल ओवर 90 कंट्रीज में ही एक्टिव है। 63,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर ही करते हैं, 28,000 एम्प्लॉइज को लेकर ये काम करती है। और एक बेहतरीन न्यूज आपके लिए है जो मेरा पीछे जो बैनर है आप देख पा रहे होंगे, मोदी केयर इस साल रैंक 5 में आ चुका है, राइट, जो बेस्ट प्लेस इन वर्क, बेस्ट वर्क प्लेस के हिसाब से वो रैंक 5 में है। और भी 2-3 कंपनियां हैं जो कि उनकी मोदी केयर मोदी ग्रुप की जो कि 7 और 4 ऐसा भी है, राइट, मोदी केयर रैंक 5 में आ चुका है। तो के मोदी जी के बाद समीर मोदी जी जो इस ग्रुप को आज मैनेज कर रहे हैं। मोदी केयर में आपको मिलेगा क्या, मोदी केयर में 3 सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, 1 इज हेल्थ, 2 इज कंज्यूमर एंड 3 इज कंसल्टेंट। ये तीनों बेनिफिट आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको सामने प्रेजेंट होगा, राइट। हेल्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आज हेल्थ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर हम सब लोग हेल्थ के पीछे ध्यान नहीं करते। क्यों? कैरियर क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? नेम एंड फेम और फैमिली, देन ये चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मगर हम सब नहीं ध्यान पाए। मगर आज का जो सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ, आज का जो सिचुएशन है, आज आपके घर में कितना कीमती गाड़ी है उससे कोई मतलब नहीं बनता, कितना कीमती टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है या नहीं है, कितना किलो उधर किलो सोना आपके घर में पड़ा है वो भी जरूरत नहीं, मगर क्या आपके पास हेल्थ को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट है? अगर है तो आप अमीर हैं, अगर नहीं है तो आज के डेट में जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सबसे बड़े गरीब हैं, ये रियलिटी है दोस्तों। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये रियलिटी है क्योंकि इसी 1.5 साल में हमने सोचा या समझा, अच्छी तरीके से समझा कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे लाइफ के साथ, नहीं तो लाइफ इज जीरो। अगर मैं यहां से हेल्थ हटा दूं तो लाइफ इज जीरो, राइट। तो मोदी केयर इसमें कैसे आपको सपोर्ट करता है? मोदी केयर के पास है एक वंडरफुल प्रोडक्ट रेंज, लगभग 600 से 700 प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। कलर कॉस्मेटिक्स में लेडीज लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रेंज है हमारा कलर कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे ढेरों कलर कॉस्मेटिक्स रेंज है। स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है जो हर दिन काम आने वाले किचन में काम आने वाले प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट्स है, होम केयर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर हर गांव तक आप पहुंच सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ऑटो केयर है, ज्वेलरी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं और घड़ियां ऐसे वॉचेस, राइट, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेंज की घड़ियां भी यहाँ पर आती हैं। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्वालिटी इसमें रहता है तो ये हमें मदद करता है कि हमारे हेल्थ को सही रखने के लिए। आप बोलेंगे कि क्वालिटी क्या सिर्फ बोलने से होगा? नो दोस्तों, क्वालिटी को देखना भी पड़ेगा और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको क्वालिटी फिजिकली दिखाएंगे, राइट। तो इस प्रोग्राम के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपको प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा जो आप कंपेयर कर पाएंगे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी में कितना दम है, राइट। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं कंज्यूमर बेनिफिट। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी तो अच्छा है मगर कंज्यूमर बेनिफिट हमें क्या है ये इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लगभग 5 तरह का बेनिफिट है, हमें इसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक कॉम्पिटेटिव प्राइस में आपको मिल जाता है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलता है जहां पर दूसरा कोई भी मार्केट ब्रांड यहां पर नहीं देता तो मोदी केयर यहां पर आपको दे रहा है। कोई भी प्रोडक्ट 20-25% आपने यूज किया, अगर आपको सही नहीं लगा तो आप इसको खरीदने के 30 दिनों के अंदर रिफंड कर सकते हैं, राइट।
तो ये 100% सैटिस्फेक्शन गारंटी हर प्रोडक्ट में प्रिंटेड आता है, आप हर प्रोडक्ट में, मोदी कहते हैं हर प्रोडक्ट में प्रिंटेड पाएंगे। डिस्काउंट, आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे खरीदना नहीं है, हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में 7 से लेकर 16% का डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ये प्रोडक्ट अगर एट ए टाइम आप 1000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10% लगभग 100 रुपए का ऊपर, 1000 रुपए में 100 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा हाथों हाथ वहीं पर जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप फिजिकली किसी स्टोर में, अभी लगभग 8000 से 9000 स्टोर, फिजिकल स्टोर ऑल ओवर इंडिया में है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर इसमें आपका फैमिली बड़ा है, 2000 रुपए का आपने खरीदा तो 200 रुपए, 3000 रुपए का आपने खरीदा तो 300, 5000 रुपए का खरीदा तो 500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, राइट। तो ये आपके जरूर, और इसको छोड़ के भी बहुत सारा ऑफर्स इस महीना स्पेशली हमारा मॉनसून ऑफर चल रहा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं या जो भी आपको इन्वाइट किया उसे आप पूछ सकते हैं। मगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा ऑफर जो है लॉयल्टी एक्सप्रेस, लॉयल्टी एक्सप्रेस। अगर ये प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छा लगता है तो लगातार हम खरीदेंगे, ये नॉर्मली होता है, लगातार हम करते हैं। तो जब लगातार किसी दुकान से आप खरीदेंगे तो क्या वो आपको लॉयल्टी बेनिफिट देता है? मगर मोदी केयर दे रहा है। मोदी केयर ये बोलता है कि अगर आपका परचेस हर महीना 1800 रुपए से ज्यादा का हो रहा है, मिनिमम 1800 और मैक्सिमम केस में 2500 रुपए से ज्यादा, राइट, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप लॉयल्टी बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अगर आपका परचेस 1800 रुपए या 2500 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो अगर 2 महीने भी सिर्फ आपने कंटिन्यू किया, हर कंटिन्यूअस 2 महीना लगातार आपने लगातार परचेस किया, तो आपको उस टोटल 2 महीने का एवरेज का 20% बेनिफिट मिल जाएगा, 20% एवरेज ऑन केस, हायर केस आप मानकर चल सकते हैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आपने इसी परचेस को 4 महीना कंटिन्यू कर दिया तो ये 4 महीने को टोटलिंग करके 60% उसका एवरेज निकाला जाएगा, 60% एवरेज आपको मिल जाएगा फ्री। अगर आपने 6 महीना कंटिन्यू कर दिया तो आपको 6 महीने का टोटलिंग करके 120% आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बड़ा फैमिली है, 5000 रुपए की खरीदारी उसका हर महीने हो रहा है, तो 6 महीने उसने 5000 का खरीदा तो यहां पर उसको फ्री लॉयल्टी कूपन कितना मिलेगा? 6000 रुपए। दोस्तों क्या कोई दुकान या कोई मॉल या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको ये बेनिफिट देता है कि हर 6 महीने में 120% बेनिफिट? नो दोस्तों। मगर यहाँ पर हमें, अगर हमें टोटल बेनिफिट मिला दूं तो मिनिमम एवरेज स्केल में आप मानकर चलिए 45-50% का बेनिफिट आपको हो जाता है, ये अगर टोटल बेनिफिट। तो जो भी खर्चा आप मोदी केयर में करेंगे उसका लगभग 45-50% आपका बच जाएगा। तो क्या बाजार से खरीदने से ये पैसा बचता है? खर्चा तो हमें करना है, मोदी केयर में करें या कहीं पर भी करें, खर्चा तो करना है। तो अगर बाजार से खरीदने से नहीं बचता तो आज आप शॉप चेंज करिए, लाइफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा, हर महीने खर्च होने वाला बहुत सारा पैसा आपका बच जाएगा। और आज के डेट में इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम तो जो जरूरी है वो तो खरीद रहे हैं, और उसके साथ बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आप हमारे घर के लिए खरीद रहे हैं, जो कि मोदी केयर के पास भी है, राइट। तो ये आपको 50% बेनिफिट दे सकता है, 50% बेनिफिट। तो शॉप चेंज, लाइफ चेंज, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं। तो ये हुआ दोस्तों कंज्यूमर बेनिफिट, आप सिर्फ दुकान चेंज करने से ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। आइए लास्ट पार्ट में हम चलते हैं, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है बिजनेस बेनिफिट। समीर मोदी आजादी प्लान, मोदी केयर ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मोदी केयर, डायरेक्ट सेलिंग तो है मगर मोदी केयर ही क्यों? बेस्ट प्लान इन इंडस्ट्री, अप टू 62% पे आउट, आपका जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसका 62% पे आउट कंपनी बांटती है। एक्युमुलेटिव प्लान, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कोई ना, कभी भी कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए कोई भी टेंशन लेना नहीं है। एक्युमुलेटिव प्लान है, नो टाइम लिमिट, धीरे धीरे जुड़ते हुए क्रम में, जुड़ते हुए क्रम में आप पहुंच जाएंगे। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम, नो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, जो मैंने बोला। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर जीरो टू हीरो बनते हैं, क्यों? क्योंकि मोदी केयर के पास एक पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। हर दिन 3 बजे आप YouTube लाइव में जाइए, SPBM लाइव मारिए, और SPBM जो कंपनी का मोदी केयर ऑफिशियल चैनल है, वहां पर हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पे हर दिन 3 बजे मीटिंग होता है। और ऐसे हम, जैसे हमारे टीम के लिए, हम भी बहुत सारे हफ्ते में बहुत सारे मीटिंग करते हैं, आपको जो भी आज इन्वाइट होंगे वो भी अपना पर्सनल बहुत सारा मीटिंग्स करते हैं। तो इससे हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको हो जाएगा, कहीं पर आपको निकलना नहीं है, डिजिटली लोगों को जोड़कर और खुद बैठकर आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाएंगे और अर्न करना शुरू करें। तो आइए कैसे अर्निंग होगा उसके ऊपर जाते हैं डायरेक्टली। समीर मोदी आजादी प्लान जो हमें बेनिफिट देता है, वो बेनिफिट देता है 10 तरह का। कितना?
दस तरह का बेनिफिट हमें देता है, 10 टाइप्स ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। मगर ये इनकम समझने के लिए आज हमारे पास समय कम है, हम आज समझेंगे कि इनकम आएगा कैसे, राइट। नेचर ऑफ वर्क क्या है, 3 गोल्डन रूल्स हमें याद रखना है, 3 काम हमें याद रखना है, यूज एंड शेयर दी प्रोडक्ट्स। आपको पहले यूज करना है, यूज करने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना या कोई भी बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं, पहले खुद यूज करना है। क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा, जब तक आप अंदर से नहीं होंगे कि नहीं मोदी का प्रोडक्ट सही है, नहीं सर ने बोला था कि जब हम यूज करेंगे तो हमें सब्सिडी मिलेगा, ऑफर मिलेगा, जब तक आप श्योर नहीं है तो किसी के साथ आप बात मत करिए। तो पहले यूज, देन शेयर दी प्रोडक्ट्स, देन शेयर दी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई चीज अच्छा लगा या कोई हमारे आसपास कोई नीडी पर्सन है, आज के डेट में हर कोई नीडी पर्सन, हर कोई लेडीज चाहते हैं कि अगर वो घर से बैठकर कुछ काम कर पाए, हर कोई लेडीज चाहता है, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि पढ़ाई के साथ अगर कुछ इनकम हो जाए, 5,000-10,000 हो जाए, हर कोई चाहता है। हर ऑफिशियल व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर जो लोन का बर्डन है, अगर उसके नौकरी के साथ अगर 2-3 घंटा जो स्पेयर टाइम है उसको देकर अगर कुछ इनकम हो जाए, हर कोई चाहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, हर किसी के साथ शेयर दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर किसी को नीड है, आज के डेट में नीड है और हर कोई प्रोडक्ट यूज करता है। देन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको सक्सेसफुल कर देगा, गो डिजिटल। हमारे जो टीम का जो टारगेट है, जो हम हमारे जो टीम का जो फ्लो है, उसमें आप आ जाइए और इस ग्रुप में आप जब ऐड हो जाएंगे तो ये डिजिटल एनवायरनमेंट यहाँ पर हम लोगों ने बनाकर रखा है, डिजिटल ट्रेनिंग्स, डिजिटल मीटिंग्स, जिसको मैंने बार बार इस मीटिंग में बोला, तो उसके साथ कनेक्ट होइए, सीखिए और इंप्लीमेंट करिए और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक स्टिमुलेशन समझते हैं, और उससे पहले हम मोदी केयर में बेनिफिट्स क्या क्या है, इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है आने वाले दिनों में। अगर आप इसमें अगर कुछ लोगों को आप मदद करते हैं तो आपका सक्सेस लेवल बढ़ता है और आपका अचीवमेंट बढ़ते जाता है। अगर किसी एक आदमी को आपने मदद कर दिया 5,000-10,000 इनकम करने के लिए, 5,000-10,000 इनकम करने के लिए, तो आप यहाँ पर फ्री में फॉरेन ट्रिप पाएंगे। अगर किसी 3 आदमी को आपने मदद कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा कार फंड, ड्रीम व्हीकल, फ्री में गाड़ी, ऑलरेडी 2 गाड़ियां इस 5 साल में मैं ले चुका हूँ, राइट। और कई सारे लीडर्स, और आज अगर हम फेसबुक में जाएं तो हर हफ्ते 5 गाड़ियां आ रही हैं, हर हफ्ते मोदी केयर में कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में 5 गाड़ियां खरीदे जा रही हैं। अगर 6 लोगों को आपको मदद करते हैं तो आप यहाँ पर हाउस फंड पाते हैं, अगर 8 लोगों को यहाँ पर मदद करते हैं तो यहाँ पर आपके कैश फंड पाते हैं, जिसमें 21 लाख तक, एक महीने में 21 लाख तक सिर्फ इसी फंड में आप पा सकते हैं, राइट, अटूट बंधन बोनस पूल। तो इसको स्टिमुलेशन को समझते हैं, कैसे हमें लोगों को मदद करना है और क्या हमें भी करना है और किस तरह से हमारा इनकम बढ़ेगा। मैं बार बार ये शुरुआत से बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट चेंज, राइट। तो ये हमें कहाँ से लेना है, मोदी केयर से लेना है, क्यों, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें पाना है और 40-50% बचत हो जाएगा। अगर ये बेनिफिट मैंने अपने जान पहचान कुछ लोगों को बोला, राइट, मान लीजिए 10 लोगों को बोला, 20 लोगों को बोला, 30 लोगों को बोला, तो उनमें से हो सकता है कि 4-5-6 लोग यहाँ पर हाँ कर दे, राइट। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, सिर्फ वो भी 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं भी 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी का जो कैलकुलेशन प्लान है उसके हिसाब से एक स्टिमुलेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक एग्जांपल है, 420 रुपए के आसपास आपको बेनिफिट हो जाएगा, जो टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का बेनिफिट आपको 420 रुपए। मेरा जो पहला चेक बना था इस बिजनेस में अगस्त 2015 में, जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, अगस्त 2015 में वो बना था 654 रुपीज़, क्योंकि मैंने भी शुरुआती में यही किया था और 654 रुपीज़ बना था। जब ये 6 लोगों ने माइंड डिसाइड किया, और उन्होंने ये काम को शुरू किया, आगे बढ़े तो इनकम कितना हो गया, 2,000 रुपए। क्योंकि जब ग्रुप बढ़ा तो टर्नओवर बढ़ा, तो इनकम भी 2,000 रुपए हो गया। जब ये फिर आगे अपने जान पहचान लोगों को बोलते हैं, डिजिटल मीटिंग में आते हैं, तो धीरे धीरे ये भी कारवा बढ़ेगा, तो कंज्यूमर बढ़े तो मतलब टर्नओवर बढ़ा तो यहाँ पर इनकम हो गया। तो कितना इनकम हो गया दोस्तों, लगभग 39,000, मतलब 40,000 के आसपास। 49,000 इंडिया में आज के डेट में 60-70% एवरेज जो जनसंख्या है वो 15,000 से 30-40,000 के बीच में है जो इनकम कर रही है। तो यहाँ पर वो इनकम आप 3 स्टेप में कर सकते हैं, सिर्फ 3 स्टेप, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मगर दोस्तों यहाँ पर बात नहीं रुकता, यहाँ पर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर लाख रुपए भी हो सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक को आपको समझना है। आपको हो सकता है कि बड़ा लगे कि लाख रुपए, मगर इसको लॉजिक को समझना है। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा कंजप्शन होगा, क्योंकि लोग हर महीना कंजप्शन तो करते हैं कहीं से ना कहीं से, तो उतना बड़ा आपका इनकम होगा। मेरे साथ भी वही हुआ है, कंजप्शन बढ़ा तो मैं आज इनकम लाखों में कर रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं, आज यहाँ पर भी मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम लाखों में होगा, लास्ट में उन सब लोगों का हम टेस्टिमनी भी सुन लेंगे, राइट। तो दोस्तों ये था आज
प्रेजेंटेशन तो कैसे आपने करेंगे और लास्ट में हम सिर्फ लीडर्स का टेस्टिमोनी और प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। मगर इस मीटिंग को एंड करने से पहले मैं आपका कुछ सवालों का आंसर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के सवाल होगा कैसे स्टार्ट करें सर, फ्री रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री। जो भी व्यक्ति आज आपको ये लिंक भेजा है तुरंत उसके साथ अपना केवाईसी आप शेयर करिए। केवाईसी में क्या क्या आता है, कोई भी एड्रेस प्रूफ, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडेंटी कार्ड, कोई भी एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड तुरंत शेयर करिए और बैंक का डिटेल्स, तो पासबुक या चेक, कैंसिल चेक का फोटोकॉपी और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना जब आप शेयर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको मोदीकर से एक नंबर आएगा और आप कल से खरीद सकते हैं और शुरू कर सकते हैं बिजनेस। आपके आसपास स्टोर होगा, हम आपको मदद कर देंगे या जो भी आपको है वो मदद कर देंगे तो आप स्टोर करते हैं। तो ये हो गया जनरल प्रोसेस। अगर आप इस बिजनेस को एक सीरियस पैटर्न में स्टार्ट करना चाहते हैं और बिजनेस पैटर्न में स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पे, नहीं सर मुझे 6 महीने से 1 साल में 1,00,000 रुपए पर जाना है, तो आपको एक सीरियस बिजनेसमैन मेंटेलिटी के साथ शुरू करना है, तो हम आपको अपने तरफ से एक सजेशन देते हैं। आप एक होम शॉपी या जिसको हम बोलते हैं घर वाला दुकान, आप इसको लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 5,000 से लेकर 15,000 राइट, 5,000 से लेकर 15,000 में शायद मुझे लगता है कि इसके लिए किसी को लोन लेना नहीं पड़ेगा राइट। 5,000 से 15,000 रुपए का आपको एक डिस्प्ले करना पड़ेगा और उस डिस्प्ले के साथ आप पहले ही महीने 1,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक का बेनिफिट पा सकते हैं राइट। मगर मैंने भी बोला कि मैंने भी घर वाला दुकान से स्टार्ट नहीं किया था, मैं भी 1,100 रुपए का सिर्फ अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदा था और धीरे क्योंकि मेरे पास उस 15,000 या 5,000 रुपए भी नहीं थे प्रैक्टिकली। मगर आप अगर इसको करेंगे, मैंने बाद में जाना कि अगर इसको मैं कर पाता तो और स्पीडली मैं ग्रो करता राइट, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन दोस्तों, मेनी मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप आज हमें मदद करें। मगर आज का इस मीटिंग एक क्वेश्चन के साथ और आपको आंसर खुद को देना है। आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखा और आगे भी जो आप सुनेंगे या जो प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे उसमें 3 चीज आपको मैं फोकस करना चाहूंगा। 1 is health part, 1 is consumer benefit part और दूसरा है बिजनेस पार्ट। आपको जूम मीटिंग में लोगों को लाना है और पैसा कमाना है राइट, फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर करना है और पैसा कमाना है। ये तीन पार्ट है, हेल्थ, कंज्यूमर और बिजनेस पार्ट। इन तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, ये आप शेयर कर सकते हैं।